राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई। इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले से पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का, आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है।
तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। राज्य दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। जो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान की स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, ये सब को कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है, 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, EFIR, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा, किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजीज के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है, जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कन्विशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक, पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था, अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा,
और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। जीरो एफआईआर, विक्टिम की एफआईआर की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में, 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पीए का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद, संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशियरी में 21,000 सबोर्डिनेट जुडिशियरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर्स की कई बैच स्थानीय भाषाओं में तैयार हो गई है। 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगभग हर प्रोसिक्यूटर को एक ऐप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिए गए हैं कि जून पुरानी धारा कौन सी थी, नई धारा कौन सी है। प्रिजन के 51,224 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फॉरेंसिक के 4,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशियरी में लगभग 20,000, फॉरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868 मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई,
34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था, वो ये कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है न्याय और आत्मसम्मान वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है, तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए। और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं, मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं। चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो बात करनी चाहिए और मेरा स्पष्ट मत है जो मैं आज बेबाक तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं मैं भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, ये मैं रिकॉर्ड पर कहने के लिए तैयार हूं। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा, संविधान की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे तो देश का भला होगा। और सबसे बड़ा बदलाव है हमने थोड़े धैर्य के साथ टीथिंग प्रॉब्लम को देश की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ लेकर सिस्टम को सुधारने का मौका देना चाहिए। और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आप इसका समर्थन करिए और जो भी सुझाव जनता के हित में है लेकर आइए, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सारी स्टार्ट भी कभी भी काफी आयुक्तों ने बुलाकर विमान किया।
नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ये भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत, रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है, वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में, जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी है तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी, 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लेरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए। टोटल 15 डेज विद इन 60 डेज, वो जानबूझकर उठा रहे, मैं मानता हूं उन्होंने तो पढ़ा होगा काम। ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग करके वो मामले को खारिज कर दिया। जतिन डॉक्टर, आपने तो ये कहा कि जितनी लॉ कन्वेंशन की वैल्यूएशन बहुत कुछ हो और तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी में जिनकी ऑपोजिशन और कुछ और पार्टी का भी नाम नहीं है पूरे देश में। देखिए, मैं अलग बात कहना चाहता हूँ, एक तो पूरा कानून तमिल में उपलब्ध कराया जाएगा, एक बात समझिए, प्रोसीडिंग तमिल में होगी। अगर नाम के लिए भी आपके मन में कोई विरोध है तो मिलकर करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी, सांसद, मुझे तो कोई ना किसी ने मिलने का समय मांगा है ना कोई मिलने आया है। फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि जो कुछ भी आपके ग्रीवेंसीज है, या तो ऐसा लगता है कि ये धाराएं जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी, इसको लेकर मुझे मिलिए। कानूनों का बहिष्कार ये रास्ता नहीं है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे रास्ते हैं। ने भेजा ही था गृह विभाग की संसद की कमेटी में भेजा था, जिसमें श्री चिदंबरम खुद थे और सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले सदस्यों में चिदंबरम सर थे और कांग्रेस पार्टी ने पहले चिदंबरम जी नहीं थे तो उसको रखा स्पेशली, स्पीकर ने अनुमति भी दी कि ठीक है भाई, इनका अनुभव है, लॉयर है, तो असिस्ट करेंगे कमेटी को। क्या फर्क पड़ता है स्टैंडिंग कमेटी, इसमें भी प्रोरेटा मेंबर है, सभी दलों के सदस्य थे। देखिए, मैंने आज आपको एक नोट भी गृह विभाग के माध्यम से अधिकृत नोट दिया जाएगा, जो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको आप कृपया आप सबके अखबार और टीवी चैनल्स के अंदर जनता के लिए रखें। ड्रैकोनियन कानून तो वो थे जिसको हटाया गया है, ये कानून तो भारत की संसद ने और भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने वाले हैं, जिसमें पीड़ितों के अधिकार की रक्षा की। आप मुझे बताइए, पहले दिनों तक कस्टडी में रखने के बाद कोई परिजनों को जवाब नहीं देता था, हैबियस करकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते थे। हमने प्रावधान करा कि ऊपर एक रजिस्टर रखना पड़ेगा कि मेरी कस्टडी में फला फला व्यक्ति है, इससे पुलिस जरात बढ़ेगा या कम होगा।
कई सारी कोर्ट में फरियाद आती थी, सच झूठ तो कोर्ट को तय करना होता है, मगर कंप्लेंट्स आती थी कि पुलिस ने ये मेरे घर में रख दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। उस वक्त वीडियोग्राफी करना ये पुलिस राज को बढ़ावा देगा या कम करेगा? 24 घंटे में अपराधी को न्यायाधीश के सामने ले जाना ये पुलिस राज को कम करेगा या बढ़ाएगा? गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलत फहमी करने का प्रयास करें, मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करो। ऐसा नहीं है, सिस्टम के ढांचे पर कोई समय मर्यादा तय नहीं थी। अब पुलिस से लेकर जुडिशियरी तक सबकी समय मर्यादा तय हुई है और टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। आप बेंगलुरु गए हो, आपका गवाही का दिन है तो बेंगलुरु से आप गवाही दे सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये पूरी प्रक्रिया को अप्लाई होते होते टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सारे होते होते 3 या 4 साल लगेंगे। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और मैं सोच समझ कर कह रहा हूं। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिसको भी मिलना है मैं तैयार हूं, हम मिलेंगे भी और समीक्षा भी करेंगे, पर इसमें कृपया राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कंसर्न आया था विपक्ष की तरफ से वो ये था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस दो पैनल के अंदर जैसे सिस्टम होगी, जो पुराने वाले केसेस रजिस्टर हुए हैं वो पुराने केसेस की तरफ देखिए, जहां तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो हम पर नहीं मर सकते। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए, और मैं स्पष्टता कर दूं पुराने और नए कानून के लिए, गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी, इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी, और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुना को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। भैया मिलने तो दो, वो क्या लेकर आएंगे बताएंगे, तुम यहाँ कहाँ निर्णय करा रहे हो? चलो, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, जहां तक थानों का सवाल है, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, पूर्णतया नहीं पहुंचाऊंगा मैं इस बात को, स्वीकार करता हूं। इसीलिए इस कानून में हमने प्रोविजन रखा है कि एक थाना कंप्लीट होता है तो उसको आप नोटिफाई कर सकते हो, एक कोर्ट कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर पूरी तहसील, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा स्टेट, कई सारे स्टेज में इसकी न्यायिक प्रक्रिया को नोटिफाइड करना है। जहां तक बीएनएस का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, दफाई लगाने का सवाल है, पूरे देश में लागू होता है। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को
एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। देखिए, मैं मानता हूं कि हम 15 अगस्त के पहले सारे यूटी में इसको कंप्लीट कर देंगे। यूटी में दिल्ली भी आता है और उसके बाद हर जिला एक एक तैयार होता जाएगा। वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, आप पहले समझ लीजिए बीएनएस और बीएनएसएस, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। जहां तक बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए कोर्ट में काफी सारी तैयारी करनी है, मगर 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम भी है और वहां पर भी काफी सारा काम हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। संशोधन तो नहीं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है, हम सुप्रीम कोर्ट से चर्चा जरूर करेंगे। ऑलरेडी हो चुकी, ऑल पार्टी कमेटी में होती ही है और आपको सबसे पहले बड़ी संशय लगता है, आप मिल जाओ मुझे अकेले। भैया आप शायद सुने नहीं, 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारे यहाँ 17,000 के करीब, कितने हैं गोगिया जी थाने, 17,000 थाने हैं, उसमें 6,00,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और रिप्रेसर कोर्स भी हो चुका है। देखिए ऐसा है कि मैंने जो कहा वो तैयारी में समय लगेगा, तब तक दिल्ली में एक हमने मॉडल लिया है जिसमें फोरेंसिक अधिकारियों को किट के साथ तैयार करा है, ज्यादातर मामलों में फोरेंसिक वैन की जरूरत नहीं, किट से भी हम सैंपल ले सकते हैं और इसकी संपूर्ण योजना बनाकर इसका पूरा ट्रेनिंग हो चुका है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसने इसका पूरा सिलेबस भी बनाया है और पुलिस कोर्ट और वकील तीनों का ट्रेनिंग भी किया है। देखिए इमीडिएट मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इससे दोष सिद्धि का प्रमाण जब बढ़ेगा, 90% तक लोगों को सजा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा। इसके अंदर कई धाराओं में बार बार अपराध करने वालों के लिए ज्यादा सजा का भी हमने प्रावधान किया है, बार बार जो सजा करते आदतन अपराधी है उनके लिए भी एक प्रोविजन है। तो लिखित की भी कैसे सेंटिटी होगी है? अरे लिखित बयान जो होता है वो लिखित बयान भी चार्जशीट के साथ जोड़ना होता है और डेटा को स्टोर करने की लिख प्रूफ सिस्टम की है, रिकॉर्डिंग करने वाले और सिस्टम में अपलोड करने वाले दोनों की जवाबदेही भी इसमें निश्चित की गई। आपने कहा कि 96 नहीं नहीं वो संपर्क करते तो तुरंत हम तो परमिशन देंगे। कितने लोगों ने ऑप्शन अपनाया है? एक ने भी नहीं अपनाया। पुलिस
सवाल नहीं है, ई एफआईआर हो सकती है, आप आपके मोबाइल से एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जाने की जरूरत ही नहीं है और वो ऑटोमेटिक सर्वर पर आ जाएगी, पुलिस को लेना ही लेना है, सर्वर हैंग नहीं कर सकता कोई। दोनों के एलंगो के भी थी, चिदंबरम साहब के भी थी। परसेंटेज मुझे मालूम नहीं, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मगर लगभग लगभग 95% से ज्यादा सजेशन मान दिए गए। इसको करने की इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार का पॉलिसी है टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कई सारे टेरर के इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसका षड्यंत्र देश के बाहर होता है, अगर इसके अनुकूल व्याख्याएं नहीं होती है तो कई जगह पे अपराधियों को इसका फायदा मिलता है, वो छूट जाते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरती रहती। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, हमारे यहाँ बम धमाके हुए थे, 58 लोग मारे गए थे, वो बम धमाके में सारा षड्यंत्र बाहर हो गया, सारे के सारे लोग सूरत में सिमी के एक्टिविस्ट थे, इन पर केस दर्ज किया गया और वो छूट गए थे क्योंकि टेरर की कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश को टेरर फ्री कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जो टेररिज्म में लिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये आज से कानून लागू हो गया है, कई बातियां थी कि हम सरिया कानून को मानते हैं, लोग दिखाए जिस तरह से बंगाल में पुराने हुआ है, तो ये नया कानून उस पर लागू होगा या पुराना ही कानून से बंगाल हुआ घटना की जांच होगी? मैंने स्पष्ट कर दिया, कल मध्य रात्रि से मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्य रात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों पुराने कानून से होगी। जब भी नया कानून आता है एक क्षण तो तय करना पड़ता है कि यहां से नया होगा यहां से पुराना होगा और वो क्षण हमने सभी से चर्चा कर कर तय किया है। चलिए आज मैं पॉलिटिकल जवाब देने के लिए यहां नहीं हूं, केवल आपसे अपील करने के लिए हूं। एक अच्छी स्पिरिट के साथ एक कानून लाए गए हैं, एक कानून की अच्छाइयों को आप जनता के साथ पहुंचाइए और आपके पास भी कोई तकलीफ आती है तो निसंकोच आप मुझे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर भ्रम है तो मैं निरसन करूंगा, अगर सुधार की जरूरत है इस पर खुले विचार से सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अंदर मिलो भ्रम के लिए।